हेलो गाइस, माय नेम इज कृष्णा, आप देख रहे हैं टेक विद एन। चलिए शुरू करते हैं गाइस। आज का वीडियो है वो खास होने वाला है, और आज वीएमवेयर टूल इंस्टॉल कैसे करते हैं गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में। मतलब वीएमवेयर के अंदर जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए, चाहे विंडोज हो, लिनक्स हो, एंड्रॉयड हो, चाहे और भी बहुत सारे, लिनक्स के अंदर भी बहुत कुछ आ जाता है, लिनक्स के अंदर जैसे उबंटू, तो ये सब अभी आपको विंडोज़ का जैसे वीएमवेयर टूल इंस्टॉल करना है तो वो कैसे करें, आज हम इसी में सीखते हैं। और गाइस, ये जो वीएमवेयर टूल है ना, ये आप गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में ही इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि जिस, मतलब होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ये है जिसके, मतलब होस्ट हम लोग इसको बोलते हैं जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है, और गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जिसके जिसके ऊपर वीएमवेयर इंस्टॉल्ड है, ठीक है ना। तो जो वीएमवेयर का ओएस है ना, उसको बोलते हैं गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके मतलब चाहे वो विंडोज हो, कोई भी हो। तो अभी जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो तो चलो भाई, वो तो होस्ट है, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अब देखिए वीएमवेयर टूल क्या है। तो देखिए, हम लोग ऐसे समझ लेते हैं इसको थोड़ा सिंपल वे में, कि जब हम विंडोज 10 इंस्टॉल करते हैं या 7, जो भी आप यूज़ करते हैं, ठीक है, आप असल रियल में यू रियल कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पे वीएमवेयर की बात नहीं हो रही है, तो क्या करते हैं सबसे पहले, इंस्टॉल कर लिया ख़त्म, ऐसे तो नहीं करते। उसके बाद हम ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं ना, क्योंकि ऑडियो काम नहीं करता। खैर 10 में तो ये सब इशू उतना नहीं है जितना 7 और एक्सपी में है, बिकॉज एक्सपी में तो बहुत ज़्यादा है, 7 में तो ऑडियो आ ही जाते लेकिन एक्सपी में बिल्कुल नहीं आते, ठीक है। तो ग्राफिक ड्राइवर, ऑडियो ड्राइवर, ये सब इंस्टॉल करते हैं। तो वीएमवेयर में अगर हम लोग ओएस डालते हैं ना, तो ये सब के लिए वीएमवेयर के लिए भी वर्चुअल ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे विंडोज़ आप कोई भी विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, मुझे 7 मुझ से निकल रहे हैं, तो उसके लिए वीएमवेयर टूल वो एक ड्राइवर का पैकेज है, ठीक है, पर वो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल होगा। तो गाइस, अगर आवाज़ कम आ रही है तो गाइस आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, और हाँ, गाली वाली मत दीजिएगा, नहीं तो फिर मुझे फिर वही वाला बात हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ये है कि क्या कहते हैं, क्योंकि गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, वो एक क्या कहते हैं, एक वीएमवेयर का, मतलब हम कह सकते हैं कि वीएमवेयर में ही एक होता है गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी हम वीएमवेयर में यूज़ करते हैं ना वो है, उसको बोलते हैं गेस्ट ओएस, और जो होस्ट है वो मेन ओएस है। तो गेस्ट में हम लोग को वीएमवेयर टूल इंस्टॉल करना है, क्योंकि वो ड्राइवर का पैकेज है, उसके बिना जैसे रेवोल्यूशन सही से नहीं आएगा, फिर बहुत कुछ है, ऑडियो सही से नहीं आएगा, ऑडियो तो आ जाता है लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं यहाँ पे वीएम खोलता हूँ। तो देखिए यहाँ पे पहले तो क्या है, होम है, बैकअप विंडोज 7, ये छोड़िए, ये जो भी है ना। देखिए वीएमवेयर में क्या है ना, वीएमवेयर प्लेयर की बात कर रहा हूँ, मैंने मल्टीपल विंडोज़ का, मतलब एक विंडोज़ एक ही बार इंस्टॉल किया और उसका बैकअप बहुत सारे बना के रखे, ताकि कभी इन फ्यूचर अगर कोई करप्ट भी हो जाए ना, तो कॉपी करके रख लें। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे करता हूँ प्ले, कि आपको कोई भी वीएम चलाना है ना, तो उस पर इंटर करना है और फिर प्ले मशीन करना है। और अगेन मैं बोल रहा हूँ, हाँ आवाज़ मैं कोशिश करूँगा सही करने की। और एक चीज़ और है, वो है कि मैंने गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में NVIDIA को भी इंस्टॉल करके रखा है। और मैं आपको ये बोलना चाहूँगा गाइस, मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में जॉस को इंस्टॉल करें, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को डर लगता है, क्योंकि हम फुल स्क्रीन कर देता हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि बिकॉज़ क्या है ना, कि हम लोग इसको थोड़ा सा लिमिटेड भी दे रहे हैं, और ये प्लस ये एक तरह से सॉफ्टवेयर कंप्यूटर है, तो फिर मुझे थोड़ा सा वो लगता है कि यार इस पे जॉस इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं।
और मैंने क्योंकि बिकॉज जहाँ तक मुझे ऐसा कोई मिला नहीं VMware में जॉब इंस्टॉल करता हुआ, तो इसीलिए मुझे भी मतलब थोड़ा सा डाउट लग मतलब मैंने किया तो था लेकिन मैंने हटा दिया। तो ये है, अभी चलते VMware टूल के। तो अभी तो हम विंडोज 7 है जो कि गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे जाएंगे कंप्यूटर में, मतलब आप कंफ्यूज होंगे कि गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। और अब जाएंगे लोकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक्चुअली गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो VMware के अंदर जो विंडोज 7 है उसमें ई है। अब मेरे पास VMware टूल कहाँ है? तो गाइज आपको तो ISO फॉर्मेट में मिलेगा क्योंकि मैंने इसे एक्सट्रैक्ट कर लिया एक फोल्डर बना के, और मैं इसका लिंक दे दूंगा और क्या कहते हैं लिंक इसका मिल जाएगा आपको। अब आपको जाना है आपको ISO मिलेगा तो आप इसे माउंट करके इंस्टॉल कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें बताने की ज़रूरत है। देखिए जैसे पावर ISO से आप माउंट कर लो इंस्टॉल करके वर्चुअल ड्राइव बना के, या फिर क्या कहते हैं एक जगह एक फोल्डर बनाओ उसमें विनरार से ट्रैक कर लो, सिंपल चीज़ है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा चूज सेटअप टाइप, बहुत से लोग टिपिकल करते हैं लेकिन इसको कंप्लीट कर लीजिए तो बेहतर होगा। मैं तो जब कंप्लीट मिल रहा है तो भाई साहब कंप्लीट ही करेंगे। तो भाई साहब इंस्टॉल हो रहा है अभी ये VMware टूल। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं गाइज, अगर आप स्पीकर लगाएंगे जैसे VMware गेस्ट चलाएंगे तो क्या पता ऑडियो नहीं है, तो ये सबका ड्राइवर है वर्चुअल ड्राइवर एक्चुअली। तो ये चीज़ है और VMware में आप कोई भी OS चला सकते हैं लिनक्स आपको अगर। हाँ एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा यार, जो लोग अगर एंड्रॉयड यूज़ करते हैं VMware में वो मुझसे कॉन्टेक्ट करें यार, क्योंकि मैं बिकॉज मेरे पास एंड्रॉयड तो है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा VMware पे यूज़ कैसे करना है। और अगर आप में से कोई अगर चलाता है VMware और एंड्रॉयड यूज़ करता है तो कॉन्टेक्ट करें। सो अभी तो VMware टूल इंस्टॉल हो ही रहा है। और हाँ आपको स्काइप का लिंक मिल जाएगा, स्काइप का मैं टेक विजन ग्रुप बनाया हूँ, व्हाट्सअप पे नहीं है, तो उसका मैं लिंक दे दूँगा आपको, स्काइप पे ज्वाइन हो जाइएगा ठीक है। सो अभी क्या हो रहा है अब हम फिनिश पे इंटर करेंगे, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रीस्टार्ट होगा। स्पेस VMware टूल्स यस बट नॉट प्लस 5 यस स्पेस VMware लॉक ऑफ। तो गाइस ये VMware वाला विंडोज रीस्टार्ट हुआ, असली वाला नहीं। मैं ऐसा बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि लोग कंफ्यूज ना हो जाए, मुझे तो पता है कि शायद आप नहीं होंगे लेकिन जो बिगिनर है वो तो हो ही जाएंगे इसके वजह से। और भाई VMware में एक मिनट ये शायद ओके तो फाइनली रीस्टार्ट हो चुका है। और VMware में मैं तो कहूँगा आपको जैसे फॉर एग्जांपल जिस जैसे आप एक्चुअली कोई भी विंडोज यूज़ करते हो तो अगर आपका में वो सॉफ्टवेयर उस पर नहीं चल रहा है तो आप VMware में यही कर सकते हो कि दूसरा विंडोज डाल के सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। तो ये एक अच्छा है। मेरे साथ ऐसा हो चुका है पर्सनली कि मेरा क्या है ना कि टाइपोबिलिटी सॉफ्टवेयर आपको पता है कि ब्लाइंड लोगों के लिए हेल्पफुल है, बट वो विंडोज 10 में ये प्रॉब्लम कर रहा है कि अप एंड डाउन एरर से उसमें नहीं जा रहा है लिसन में, तो मैं कैसे लिसन कर पाऊँगा, तो मुझे सीरियल वाइज करना पड़ रहा है या जा भी रहे तो जॉज रीड नहीं कर रहा। लेकिन वही बात आ जाती है ना कि VMware में जॉज डालना मेरे को थोड़ा सा मतलब डर लगता है, थोड़ा मतलब वो वाली चीज़ लगती है हिचकिचाहट अब कह सकते हैं, इसलिए मैं VMware पे भी नहीं कर रहा हूँ, देखता हूँ अगर कोई उपाय। तो ये देखिए तो गाइस अरे हाँ ये मैं कह रहा था कि गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको इंस्टॉल करना तो बताया था, लेकिन मैंने बताया ना कुछ एरर आ रहा था। वो क्या एरर था
कि आप अगर एनवीडीए में ओसीआर एड ऑन डालेंगे तो वो कहाँ से रिकग्नाइज कर पाएगा। तो आप कोई एड ऑन मत डालिएगा, आप विंडोज 10 ओसीआर फंक्शन का यूज़ कीजिए, वो जो फोटोज़ है उसको रिकग्नाइज करेगा और बताता जाएगा कितना इंस्टॉल हुआ है, क्या है क्या नहीं। तो और अगर आप, मैं ये सब पे भी वीडियो बनाऊंगा लिनक्स और, लेकिन ये सब कॉम्प्लिकेटेड है भाई, विंडोज़ की तरह ऐसे नहीं कि नेक्स्ट रैंक इंस्टॉल ना हो, और ये ऐसा नहीं है, थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड है लिनक्स और बाकी सब चीज़ें। तो अगर आप ये एक्चुअली आप कह सकते हैं वीएमवेयर का पूरा सीरीज चल रहा है, और यार वीएमवेयर का पूरा सीरीज है ये, तो पार्ट टू ही है, अभी कितना आएगा पता नहीं मुझे भी। तो गाइस इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और क्या करना है आगे आपको पता ही होगा भाई साहब, सब्सक्राइब तो बनता है। और हाँ, और जो लोगों ने मतलब ये बोला ना, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि कृष्णा भाई आपका ट्यूटोरियल जितना अच्छा है ना उतना, मतलब उन लोगों ने बोला मतलब बहुत अच्छा है आपका, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बिकॉज मतलब लोग कितना पसंद करते एक तरह से देखा जाए तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिर मैंने सोचा यार क्यों यूट्यूब छोड़ना, यूट्यूब पे बनाओ। तब एक तरह से मैं टूट चुका था, मैंने जैसे पिछले वीडियो में काफ़ी कुछ, क्योंकि लोग ही वैसे हैं, डीमोटिवेट करना चाहते हैं, जो अच्छा काम कर रहा है उसको करने देते नहीं हैं, जो नीचे हैं उसके पर तो हंसते हैं। तो फिर ये वही वाली बात हो जाती है ना कि मतलब खुद तो ऊपर पहुँच गए, खुद तो सब्सक्राइबर ज़्यादा हो ही गए, और जब दूसरों की बात आती है तो मतलब ये वाली बात हो जाती है। और मैं बोलना नहीं चाहता था ये भी चीज़, लेकिन वही लोग हैं, तो फिर मुझे भी ऐसा लगा कि इसकी वजह से मैंने बोल दिया, तो फिर वो चीज़ है। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो देखते रहिए। मैं वीएमवेयर को शट डाउन करता हूँ। ओके तो VMware शटडाउन हो चुका है, और रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी।